नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के गांव खारिया में प्रगति रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। वहीं इस रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग 50 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ 41 लाख रुपए के 3 विकास कार्यों का उद्घाटन किया, साथ ही 40 करोड़ 5 लाख रुपए की 4 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने रैली स्थल से 356.98 लाख रुपए की लागत से गांव गंगा में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व रिहायशी कॉलोनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 360 लाख रुपए की लागत से गांव भागदीन में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व रिहायशी कॉलोनी तथा 325 लाख रुपए की लागत से बने फैसिलिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली स्थल से ही 40 करोड़ 5 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें 2373.75 लाख रुपए की लागत से मुख्य जलघर का पाइपलाइन तथा लघु सचिवालय के जलघर की नवीनीकरण का कार्य शामिल है। इसके साथ ही 873.89 लाख रुपए की लागत से रानिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व रिहायशी कॉलोनी का निर्माण, 360 लाख रुपए की लागत से गांव कागदाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तथा 397.36 लाख रुपए की लागत से गांव डिंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों का आधारशिला रखी। वहीं मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के सभी हलकों के लिए 215 करोड़ रुपए की मांगों की स्वीकृति दी। इस रैली का आयोजन ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा उन्हीं के द्वारा किया गया। ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि वे हमेशा मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़ा सम्मान की बात होगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा में पहली बार सिरसा की प्रगति रैली में शामिल हुए हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मनोहर लाल मुख्यमंत्री की रैली का शामिल होने का आभार जताया। की ये विशेष रिपोर्ट। मैं अपनी माताओं बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में महिलाओं का यह दिन है, माताओं बहनों का यह दिन है और आज हमने गुरुग्राम से सब जिलों में अपनी माताओं बहनों के साथ वहां जो बातचीत भी की है, माताओं के मान सम्मान को रखते हुए हम लोगों ने नतमस्तक उनके सामने किया है। माताएं ही हैं जो समाज में चाहे अपने बेटे हैं बेटियां हैं जो भी हैं एक परिवार को सुचारू ढंग से चला सकती हैं। आज का दिन माताओं बहनों का बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना। इसी प्रकार कल ही एक ही दिन बाद होली का त्यौहार है। इस होली के त्यौहार का भी हम सब महत्व जानते हैं प्रसन्न जानते हैं। इस अवसर की भी बहुत मैं बधाई देता हूं बहुत बहुत आभार करता हूं। भाई बहनों आप लोगों ने हरियाणा की जनता ने हम लोगों को दोबारा से पिछले 6 अक्टूबर महीने में दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया। पिछले 5 साल में मैं इस जिले के अंदर लगता था विधानसभा में 2-3 बार आया और हर बार आपके सामने कुछ हम विषय रखते हैं। अब दोबारा से आपने अवसर दिया मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये सिरसा जिला में अगर ये कहें तो 2 सीटें जरूर कांग्रेस को मिली है लेकिन जो कांग्रेस को नहीं मिली है हम कहते हैं आपने कांग्रेस को नहीं दी वो सब हमें ही मिली है, हम उनको अपने मान लेते हैं सब। और उसमें भी जैसे चौधरी रणजीत सिंह ने कहा अभी चुनाव का रिजल्ट आया नहीं था लेकिन हमको तो सारी जानकारी मिल रही थी कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है कौन जीत रहा है। हमको यहां से स्पष्ट संकेत मिल गए थे चुनाव होते ही कि बहुत भारी मतों से चौधरी रणजीत सिंह यहां से रानिया विधानसभा से जीत के आ रहे हैं। मैंने इनको चुनाव के परिणाम से पहले ही बधाई दे दी थी और मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने भी उसी टेलीफोन के ऊपर ही जबकि हमको पता नहीं था ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कल लेकिन मनोहर लाल जी
सरकार आपकी बन रही, मैं आपके साथ खड़ा हूं दिन में रात महीना साथ पहुंच करके, हमारा विधायक रहा हो चाहे नहीं रहा हो, हमने लगातार हर दिन प्रवास करके हर दिन वहां दौरा करके और सबका समान विकास किया, ये हमारे पिछले 5 साल की बरसने का सिस्टम रहा। और अभी भी इस दूसरे कार्यकाल में हमने अपना काम शुरू कर दिया है। पहली राजनीति पलवल में थी, दूसरी महेंद्रगढ़ में थी, तीसरी कल भिवाड़ी के कैरो गांव में थी, आज चौथी हिसार के सिरसा के अंदर खारिया गांव में है। लगातार एक एक जिले में पूरे प्रदेश में घूमने का मेरा कार्यक्रम अगले 3 महीने के अंदर पूरा कर दूंगा। और 3 महीने में इस बार तो और कदम आगे बढ़ सकते मैं काम करने जा रहा हूं। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था लेकिन खजाने की चाबी मेरे और साथी के पास थी, हमको नहीं पता लगता था खजाने में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पूछना पड़ता था। इस बार भाइयों खजाने की चाबी मैंने अपने पास रख ली है, अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर पूछने की जरूरत पड़ती है एक ही पड़ती है, बोलो क्या काम करना, काम बताएंगे हम करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, अगर जरूरत थी वो भी जनता के साथ की, आपने हमको साथ दिया है, अभी साथ हमको मिला है, अब सबकी साधना पूरा भरपूर है। चिंता मत करना, रसोई में पानी का नल पहुंचाएंगे हर एक रसोई में, लेकिन मैं ये कहता हूं हरियाणा में 2024 नहीं 2022 के अंदर हर घर के अंदर पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचेगा, ये आज मैं अपने घर के जाता हूं हर घर में पहुंचेगा। जो काम कराएंगे पूरा काम कराएंगे हर घर के लिए, आज बहुत से काम गिराने के लिए कराने के लिए मैं बता सकता हूं, लेकिन जो कि मैंने जैसे 24 साल में कहा कि आज तो मुख्य वक्ता के नाते हम सुनने आए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो उन्होंने भी अपने विषय अपने सामने रखने और हमें बहुत लाभ होगा। मैं तो यही बता सकता हूं आपको कि जितने भी काम बताए गए हैं उन कामों की बात तो मैं करूंगा ही, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि 2016 में धर्म नर्मो सफेद मक्खी में खराब हुए तो ना, और तो धरा खाता ना मुआवजो आयो, ईद तक इतना मुआवजो आयो कदे कदे आयो नहीं आयो ना, पहली बार आयो, पहले भी था मिलो। अब पर्ची खर्ची वाले सिस्टम हमने खत्म कर दिए सारे, पर्ची खर्ची का जो सिस्टम है वो सब हमने खत्म कर दिए, और नौकरी खाकर खाए पर बिना खर्ची खर्ची लगे लगे कि नहीं, बिना खर्ची पर्ची के लगे नहीं। और एक नई घोषणा में कर रहा हूं, और ईद पढ़ नाले टापरा खाकर लोन की गारंटी भी सरकार ले लेगी, अगर लोन भी लेना होगा पढ़े खरे टापरा में तो भी सरकार ले लेगी। और जो कि आज बहुत सी मांगे दी हैं, चारों विधानसभाओं में मांगे आई हुई है, ज्यादा राजनीति की है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितनी मांगे हैं ये सब मांगे मानते हुए एक एक घटाओ बताऊंगा तो 50-60-70 मांगे हैं, टाइम लग जाएगा। मैं इतना कहूंगा कि सारी मांगे जो मैंने हिसाब का लगवाया है अपने अधिकारियों से, उन्होंने मुझे बताया है कि 215 करोड़ रुपए की मांगे हैं, सारी की सारी मांगे। आप दोनों का बहुत आभारी हूं कि आज 8 मार्च 2020 का दिन हमारे सिरसा के इतिहास में एक ऐसा दिन बन गया जिसका मैं कभी कोई मुकाबला नहीं होगा कि आप इतने दोनों बड़े आदमी राष्ट्रीय पार्टी के मालिक आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहाँ विराजमान है, इतनी बड़ी भीड़ आपका स्वागत कर रही है। मैं भीड़ से कहता हूँ एक बार जरा खड़े होकर सारे तालियों से स्वागत करो, मैं बहनों से भी कहूँगा सभी खड़े हो जाए। नड्डा साहब आप और खट्टर साहब आप दोनों आए, आप उस पार्टी के जो देश में और प्रदेश में दोनों में आज के दिन रूलिंग पार्टी है उसको मेरा हलका और मेरा परिवार, मैं इसे परिवार समझता हूँ, आपका यहाँ स्वागत करता है, मुझे इस बात में बहुत आनंद आ रहा है कि हम जहाँ चले गए जिसने इज्जत दी है, राजनीति तो ये होती है कि हम उनके साथ रहें, अब कोई संकोच नहीं करें। कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस खत्म है, जहां 2 बार नहीं आई वहां कांग्रेस आई नहीं। आप यूपी देखो 80 सीट एक सीट आई है, आप बिहार देखें 40 में एक भी नहीं है, वेस्ट बंगाल देखें वहां 42 सीट है कोई कांग्रेस की सीट नहीं है,
तमिलनाडु में अलायंस में 4 सीट आ गई, नहीं तमिलनाडु में नहीं है। हरियाणा में 2 बार नड्डा साहब, मैं कहने चाहूँगा हमारे इनकी कार्यक्षमता, इनकी शैली, इनका प्यार कि इतने बड़े किसान, किसानों का सबसे ज़्यादा भरोसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे हुआ है। आज सारा हरियाणा कभी किसी को दोबारा नहीं बनाता, आपको दोबारा बना के इसमें इनमें विश्वास व्यक्त कराए हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई छोटी बात नहीं होती। पहली बार अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आज अमित शाह जी कहाँ गए हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 2 देश और 2 संविधान खत्म कर दिए, उन प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा विश्वास के आदमी हैं। और आप हमारे मुख्यमंत्री जी को और मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा ये सौभाग्य है कि इस प्रगति रैली में मुझे आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला। और प्रगति रैली में जिस तरीके से आपने मेरा और मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, और एक बार नहीं अनेकों बार खड़े होकर के भी स्वागत किया है, इसलिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ये प्रगति रैली इस बात का सूचक है कि पार्टी अपनी संस्कृति को किस तरीके से प्रतिलक्षित करती है। जब हम प्रगति रैली कहते हैं तो साफ हो जाता है कि हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार ने आपकी प्रगति में भागीदारी निभाई और प्रगति कहां से कहां तक हुई। बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों की सरकारें चली हैं, कभी प्रगति रैली नहीं हुई। अगर रैली हुई तो किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने के लिए हुई, कोई अपने नेता की चमकाने के लिए हुई, लेकिन जनता की आवाज को सुनाने के लिए और जनता की आवाज पर काम करने वाली रैली है, तो वो प्रगति रैली अभी हमको देखने को मिली है, वो हमको समझना है। यहां हम लोगों की प्रगति की बात कहते हैं और दूसरी सरकारों में नेता की प्रगति नहीं होती, जनता की प्रगति नहीं होती, उस जगह के नेता की प्रगति होती है, इससे सिवा किसी की प्रगति नहीं है। ये हमारे यहां है जहां हम कहते हैं कि जनता की प्रगति की बात। मैं यहां बैठा बैठा देख रहा था, बहुत फूलों से सजाया हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा है और एक बिटिया को बहुत सुंदर फूलों से यहां बनाया है। यही है जो आज से 5 साल 7 साल पहले देशभर में अगर इसकी बदनामी होती थी तो कहते थे कि महिलाओं का जो रेशियो है वो हजार में 830 है। और ये चिंता का विषय था, हरियाणा का पिछड़ापन इस बात से सामाजिक जोड़ा जाता था कि यहां 1,000 पुरुष है तो 830 महिलाएं बच्चियां पैदा होती। प्रगति के निशान यह है कि 5 साल के अंदर आज हरियाणा 1,000 में 923 बच्चियां पैदा होती है, इस बात का प्रमाण है। यह हम आपको प्रगति की बात है, यह दर्शाता है कि किस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन आया। मैं जब यहां आया हूं तो यह पुण्य भूमि जो हरि की भूमि कही जाती है, ऐसे भूमि में मुझे आने का सौभाग्य मिला। और जहां प्रगति ने एक लंबी छलांग लगाई है, यह भी हम सबको देखने का मौका मिला। ऐसे स्थान पर जब हम वीरों को याद करते हैं और जब हम किसान नेताओं को याद करते हैं तो सर छोटू राम को प्रति भी हम नमन होते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए विशेष योगदान किया। मित्रों, आदरणीय मोदी जी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मिलकर समर्पित है कि हरियाणा का विकास हो और हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़े।
इस बात के लिए हम समर्पित हैं और उसके लिए हम कार्य करते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इस बात को लेकर के हम लोगों ने इसकी बात को आगे और जब हम इस बात की तस्वीर को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं देश में वह कार्य इस बात के सूचक है। आपको याद होगा कि एक समय में 1.1 पेंशन की आवाज हरियाणा की धरती से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय जब चुनाव के कैंपेन में आए थे तो उन्होंने उठाया। लंबे समय तक 1.1 पेंशन पर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करती है, उसका उद्देश्य था कि इस पर राजनीति की जाए। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि 1.1 पेंशन को किसी और नहीं, मोदी जी ने इसको सुलझाया और सुलझाने के साथ साथ 2,20,00,000 केसेस, सारे के सारे केसेस जो पेंडिंग थे उनको पूरा किया और 10,000 करोड़ रुपए की लागत देकर के ये काम पूरा किया। ये हम आपको बताएं, हमारे बहुत से लोग बहुत से अपना जीवन लगाते हैं, देश के लिए शहादत देते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा ये प्रगति रैली है, ये प्रगति क्या हुई है यह भी हमको समझना चाहिए। पिछले 20 सालों में जब तक मोदी जी नहीं आए, 20 सालों में एक भी असला, एक भी एरोप्लेन, एक भी लड़ाई का सामान नहीं खरीदा गया, और जब खरीदने गए तो गए पीछे घोटाला पहले, चाहे वो हेलीकॉप्टर का घोटाला हो, चाहे वो पनडुब्बी का घोटाला हो, चाहे वो हवाई जहाज का घोटाला हो, चाहे वो मशीन गन और तोपखाने का घोटाला हो, हर जगह पिछले शासन में यूपीए में घोटाला ही घोटाला हो। आपको बताना चाहता हूं और फौजियों को बताना चाहता हूं प्रगति का नाम क्या है और प्रगति लाने वाले मोदी जी का नाम क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। इस छोटे से अवधि में भारत सरकार ने 36 रफेल फाइटर जहाज इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिए हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 28 अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे बेड़े में शामिल हो गए, 15 चिनूक चॉपर हेलीकॉप्टर जो सामान भी उठाते हैं बाद में लोगों को और फौजियों को लेकर के जाते हैं वो हमारे यहां पर केस हुए। सरफेस से एयर मिसाइल छोड़ना और एयर निर्माण करना, यह काम के लिए इसराइल की मदद से इस काम को भी हम लोगों ने बखूबी निभा दिया है और यह पूरा कर दिया है कि टेस्टिंग की ओर हमारे यहां हमारे फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, आज एक लिए हैं और भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट भी करने लग गया है, यह भी हमको समझ में आना चाहिए कि भारत ने कितना इससे प्रगति की है, यह हमको समझना चाहिए। हमारे यहां AK-203 राइफल ये 5,00,000 खरीदे गए हैं और फौजियों के पुराने अपने हटा करके AK-203 ये अपने लिया गया है फौजियों को, यह हमको समझना चाहिए। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि प्रगति रैली का मतलब प्रगति कैसे होती है और किस तरीके से फौजियों के उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य भारत सरकार ने किए हैं, उसकी एक छोटी सी तस्वीर हमने आपके सामने